6000 रुपीस तक उसको इंश्योरेंस दिया जाएगा और उसमें उसकी ट्रीटमेंट करवाए तो उसको हम बर्तर दे देंगे। छोटा नरसिम्हन जी, what are the remedial measures required to take and what is the action taken to curb these black spots in Andhra Pradesh? 30% of the driving licenses in Andhra Pradesh are bogus. It is proposed to set up an online system. Next, madam, is it a fact that out of 18 crores driving licenses, 5.4 crores licenses are bogus? Whether there is any proposal with the ministry to create a centralized system to eliminate fake and bogus driving licenses from the active licenses? Madam, third, what are the steps taken by the ministry to improve roadside amenities for quick response and transfer of accident victims to hospitals, trauma centers on national highways? Madam, thank you, madam. आंध्र प्रदेश में 8 ब्लॉक स्पॉट है और एक ब्लॉक स्पॉट है वो नया आइडेंटिफाई किया गया है और हमने ब्लैक स्पॉट के संदर्भ में बहुत विचार किया है और अभी तक जो सालों से ये सिस्टम बनी हुई थी कि वहाँ कोई रोड सेफ्टी के लिए विस्तार से नहीं देखा जाता था, रोड बनते रहते थे और बनने के साथ साथ उसका एक्चुअल क्या करना चाहिए और पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, रास्ते पे व्हीकल बढ़ता जा रहा है, हर साल 10% फोर व्हील व्हीकल बढ़ रहा है। वैसी स्थिति में रोड सेफ्टी ऑडिट का हमने अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की है, कुल मिला के 26 मुद्दा आइडेंटिफाई किया और 26 पॉइंट आइडेंटिफाई करके उसको हम अच्छा तरह से कैसे करें और उसको ठीक करने के लिए हमने DPR जब बने तब से उसको इंक्लूड किया है और DPR की स्थिति में DPR के बाद जब रास्ता क्लियर होगा, रास्ता बनेगा, वैसे समय में भी हम देखेंगे जैसे कुल मिला के जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उस एक्सीडेंट को कम करने के लिए हर संभव और हर तरह से हम प्रयास कर रहे हैं। श्री PN गौड, थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर मैडम फॉर गिविंग ऑपर्चुनिटी। एज यू नो लाइफ इज वेरी प्रीशियस एंड यू नो दैट हाईवेज आर हाईवेज फॉर द ग्रोथ, बट अनफॉर्चुनेटली the number of the accidents compared to the length of the roads in India is very high compared to any part of the world. The second, specifically my state of Telangana and my constituency, though our state is a smaller state compared to the UP and Madhya Pradesh and Bihar, the number of the black spots are 71 and the number of black spots compared to the facility 5 in 2014, number of, if you look at the statistics provided by the ministry, madam, there were 63 fatalities in the Telangana state. And specifically in my constituency, national highway number 163, I have brought to the notice of the ministry, there are three spots on the 65 and 63, when the ministry also has given in written assurance, they will start a vehicular underpass at the road number, national highway number 163. Though the administrative and financial sanction is was given, for the last 2.5 years, no vehicular underpass, the work is grounded so far. I request through you, madam, the ministry, when this work is going to taken up. And second, courtesy to the demonetization, hopefully there will be more infrastructure going to be, I request to answer whether he is going to address in the future roads or not. थैंक यू वेरी मच। माननीय सदस्य जी ने जो प्रश्न पूछा है, तेलंगाना में
कुल मिलाकर 76 ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किया गया है। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि देश में रास्ता में एक्सीडेंट कम हो, क्योंकि रास्ता में एक्सीडेंट होने से देश में आज कुल मिलाकर नेशनल हाईवे पर 5 लाख जैसे जितने एक्सीडेंट होते हैं और 1,46,000 जितने लोगों की लाइफ जाती है, उसकी लाइफ न जाए, उसको बचाया जाए। और उसके लिए हमने विस्तार से और गंभीरता से काम करना शुरू किया है। और इसलिए जहां ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई पहले नहीं हुआ था, कहां हर साल में जो 2-3-4 एक्सीडेंट हो जाते हैं, 5-10 लोग मर जाते, लोगों की डेथ हो जाती है, वैसे स्थान को ब्लैक स्पॉट के रूप में हमने आइडेंटिफाई किया। इतना नहीं, और एक्सीडेंट होने के रीजन क्या क्या है उसके लिए रोड सेफ्टी अथॉरिटी ने जो सुझाव दिया, ऑडिट रोड सेफ्टी ऑडिट ने जो सुझाव दिया उसका भी हमने इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कोशिश की और शुरुआत भी कर दी। और जहां अंडरब्रिज करना है, जहां ओवरब्रिज करना है, जहां डिवाइडर करना है, जो हिली क्षेत्र है वैसे क्षेत्र में बैरियर लगाना है, उनके साथ साथ आइडेंटिफाई हम करना चाहते हैं कि कभी कोई भी रास्ते पे जो वाइल्ड लाइफ पास होती है, कोई ऐसे नेशनल हाईवे होते हैं वहाँ लैंडस्लाइडिंग होता है, वैसी स्थिति में एक हम एक इंडिकेट मार्क करना कर रहे हैं कि वैसी स्थिति में लोग पहले से ही सतर्क रहे। वैसे तेलंगाना में कुल 63 ब्लैक स्पॉट पर 63 लोगों की लाइफ गई है, 63 लोगों की जो एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है। अगले दिन में हम उसको रेक्टिफाई करके वैसे ब्लैक स्पॉट को करेक्ट करके उसको अच्छी तरह से कुल मिला के अगले 2 साल में हमारे मन में ऐसा है कि कुल जो देश में नेशनल हाईवे पर ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किया गया है, एक ब्लैक स्पॉट को 3 साल में हम सारे देश में पूर्ण करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे हमारा मंत्रालय की गतिविधियां और जैसे हम काम करते हैं ऐसी स्थिति में हम 2 दिन में कर लेंगे, लेकिन 3 साल में करने के लिए हमने जो टारगेट रखा है उस समय पर पूरा करेंगे। और लोगों की लाइफ न जाए, लोगों को नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट का सामना ना करना पड़े, उसके लिए हर संभव और हर तरह से हमारी कोशिश रहेगी। एपी जितेंद्र रेड्डी। जितेंद्र जी, माइक जितेंद्र, यस माइक काम नहीं हुआ। आप पीछे की सीट पे जाओ तो माइक ऑन हो जाएगा।